नमस्कार दोस्तों, आपके पास यदि एल्युमिनियम के 1 या 2 रुपए के 2 पैसे के कॉइन हैं तो आप इन 2 पैसों के और 1 पैसों के कॉइन को बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। आप सभी के पास ये पुराने सिक्के तो ज़रूर रखे होंगे जो फिलहाल चलन से बाहर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ यहाँ पर देखिए 1965 के 1 पैसे और 2 पैसे के सिक्के हैं। ये पैसे जो 1 पैसे और 2 पैसे के सिक्के हैं ये हमें बहुत ही कम दिखाई देते हैं और लेकिन आपके पास ज़रूर होंगे। इन सिक्कों को मैंने हाल ही ऑप्शन से बाय किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं नोएडा के ऑप्शन से इन सिक्कों को बाय करके लाया हूँ और यदि आपके पास इन सिक्के ये वाले सिक्के होते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी कीमत में ये सिक्के सेल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में बायर का डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल दे दूँगा। जो पुराने 1 पैसे और 2 पैसे और जो छोटे छोटे सिक्के होते हैं उन सिक्कों को ख़रीदता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 2 पैसे का सिक्का यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट साइड पे इसका जो डिज़ाइन है देखिए यहाँ पर सर्कल डिज़ाइन है। 2 पैसे यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए जो देवनागरी में यहाँ पर 2 पैसे लिखा हुआ है और इसका जो यहाँ पर देखिए 1965 इसका मार्क यहाँ पर है और इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई मार्क नहीं है। तो ये कोलकाता मिंट का ये सिक्का एल्युमिनियम का सिक्का है। यहाँ पर देख सकते हैं एल्युमिनियम का सिक्का है। पीछे यहाँ पर देखिए अशोक स्तंभ बना हुआ है। बीच में यहाँ पर देखिए 3 शेर बने हुए हैं। तो इस सिक्के की जो प्राइस है आपको आराम से 20 से 25 रुपये आराम से मिल जाती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे रेयर सिक्के होते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। इन सिक्कों की प्राइस आपको लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये आराम से मिल जाती है जो हाल ही में दिल्ली के एक ऑप्शन में सेल हुआ था। इसी तरीके से दोस्तों यदि आपके पास ये 1967 का 1 पैसे का ये सिक्का है और आपने यदि इसको कलेक्ट करके रखा है, यदि आपके पास दोस्तों इसका पूरा बंडल सेट रखा हुआ है जिसमें लगभग 10 से 15 सिक्के हों तो लगभग आपको 20 से 25 हज़ार रुपये बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। हाल ही में दिल्ली के ऑप्शन में इस तरीके के सिक्के बहुत सही तरीके से सेल हुए थे। इसका भी आप देख रहे हैं इमेज जो सिक्के सेल हुए थे ये लगभग, और ये देखिए दोस्तों ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिक्का है ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सिक्का है ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है यहाँ पर, और 1967 का ये सिक्का है। इसके फ्रंट साइड में यहाँ पर देख सकते हैं 1 पैसे और बैक साइड पे यहाँ पर देखिए देवनागरी में लिखा हुआ है। और साथ ही यहाँ पर मैं इसको पलटता हूँ तो इसमें देखिए सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पर देखिए अशोक स्तंभ बना हुआ है और देवनागरी में भारत और इंग्लिश में इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी के मेरे पास कुछ 2 पैसे के और भी सिक्के हैं। देखिए ये 1965 का फिर से सिक्का है। ये दोस्तों जो सारा कलेक्शन है ये लगभग मैंने 1300 रुपये में बाय किया है ऑप्शन से, और मैं आपको डिटेल भी सेंड कर दूंगा। यदि आप इस तरीके के सिक्कों को सेल करना चाहते हैं ऑप्शन में तो आप बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों 1967 का ये सिक्का है, ये भी बहुत अच्छे कीमतों में यहाँ पर 500 रुपये में मैंने ख़रीदा था। और साथ में ये 1 पैसे का सिक्का है, ये 1969 का है। तो ये लगभग देखिए दोस्तों ये कितना आज के समय में कितना चमकदार सिक्का है। इसको भी मैंने 300 रुपये के आसपास में ख़रीदा था 1969 के। ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है। दोस्तों यदि आपके पास 1 या 2 रुपये के 2 पैसे के सिक्के हैं तो आप इनको सेल करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स सेंड कर दूंगा बाहर की, जिससे आप बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप सिटी में रहते हैं तो इन सिक्कों को सेल करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि आपको डायरेक्ट ऑप्शन में जाना होता है और वहाँ पर इनकी जानकारी लेनी होती है कि कौन से सिक्के किस प्राइस में सेल होंगे और किस तरीके से सेल होंगे। दोस्तों इसी में 2 पैसे का एक और सिक्का है जिसमें पीछे गांधी जी बने हुए हैं और उस सिक्के का जो प्राइस है लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये है। और ऐसे सिक्के बहुत कम सिक्के बने थे, बॉम्बे मिंट में वो सिक्के बने थे। तो यदि आपके पास उस तरीके के सिक्के हैं तो उस तरीके के सिक्के को भी आप बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप गांव में रहते हैं तो इन सिक्कों को सेल करना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो गया है। अब डायरेक्टली आप अपने सिक्कों को ऑनलाइन सेल कर सकते हो। जो भी बायर होगा वो डायरेक्टली उसको आप सिक्के सबसे पहले पोस्ट ऑफिस के थ्रू या फिर कोरियर के थ्रू आपको उनको सेंड करना होगा, वो सारे आपको डिटेल सेंड कर देंगे। तो मैं नंबर भी मेंशन कर दूंगा बायर का। तो इस ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, एक थम्स अप दे देना, और आपको यदि सिक्के सेल करना है तो इससे सारी डिटेल जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दे देना, और अपने दोस्तों के पास यदि सिक्के हैं तो उनको भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।